मनुष्य जो खोजता है वही पाता है। शक्ति, बुद्धि, प्रेम और विचारों का मालिक होने के नाते मनुष्य के हाथ में ही वो चाबी है जिससे वो हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले सकता है, अपना कायाकल्प या नवीनीकरण कर सकता है और जो चाहे वो बन सकता है। मनुष्य हमेशा स्वामी ही होता है, अपनी सबसे दीन हीन अवस्था में भी, लेकिन अपनी दुर्बल अवस्था में वो एक मूर्ख स्वामी होता है जो अपनी गृहस्थी का बुरा संचालन करता है। जब वो अपनी स्थिति पर विचार करने लगता है और उन नियमों की तलाश में तत्परता से लग जाता है जिन पर उसका निर्माण हुआ है, तो वो एक बुद्धिमान स्वामी होता है। तब वो अपनी समस्त ऊर्जा और बुद्धि अपने विचारों को लाभदायक और फलदायी बनाने में लगाता है। ऐसा मनुष्य जागृत और चैतन्य स्वामी होता है और ऐसा वो आंतरिक चेतना से विचारों के नियमों को खोजकर आत्मविश्लेषण और अनुभवों के आधार पर कर सकता है। बहुत खोजने और खुदाई करने के बाद ही खानों में से सोना और हीरे प्राप्त किए जा सकते हैं। मनुष्य भी अगर अपनी आत्मा में गहराई तक उतरे तो अपने से जुड़े हर सत्य को पा सकता है। वो जान सकता है कि उसी ने अपने चरित्र का निर्माण किया है, अपने जीवन को इस सांचे में ढाला है, अपनी नियति को गढ़ा है। इस तरह ये सिद्ध कर सकता है कि विचारों पर नजर रखने, उन पर नियंत्रण रखने और उन्हें बदलने से उस पर, उसके जीवन पर, दूसरों के जीवन पर कितना प्रभाव होता है और अपने कर्मों और परिणामों को धैर्य, अभ्यास, गहन विश्लेषण और अपने हर अनुभव को प्रयुक्त करके आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जो है समझबूझ यानी कि बोधगम्यता, बुद्धिमानी और शक्ति। जो ढूंढता है वो पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खुल जाता है। ये एक शाश्वत नियम है। धैर्य, अभ्यास और अटल संकल्प से ही मनुष्य ज्ञान के मंदिर में प्रवेश पा सकता है। ये महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं लेखक जेम्स एलन ने अपनी किताब एज अ मैन थिंकथ, यानी जैसा मनुष्य सोचता है। ये पुस्तक बाइबल की एक कहावत पर आधारित है जिसमें लिखा है कि इंसान जो भी अपने मन में सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। आप लोगों की इस तथ्य पर क्या प्रतिक्रिया है? इन बातों को सुनकर आप लोगों के मन में कुछ सवाल तो जरूर उमड़ रहे होंगे। क्या आप में से किसी ने कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या आप बचपन में तो ऐसे नहीं थे, फिर अभी कैसे इतने नकारात्मक हो गए? या किसी ने सोचा है कि पहले आप पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे पर कॉलेज में आप स्टेट टॉपर कैसे बन गए? क्या ये सब आपकी सोच का अंजाम है? ऐसे और भी कई सवाल आपके मन में पैदा होने दीजिए, क्योंकि उनके जवाब आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं इस ऑडियो बुक एज अ मैन थिंकथ से। तो आइए इस बुक की शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश दार्शनिक लेखक जेम्स एलन का जन्म 28 नवंबर 1864 को इंग्लैंड के लेसेस्टर में हुआ था। वो पश्चिमी दुनिया के एक जाने माने कवि, विचारक और दार्शनिक लेखक थे। उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं, जो कि समाज को नई राह दिखाने वाले स्व सहायता लेखकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, विचार और चरित्र। एक कहावत है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। ये विचार इतना व्यापक है कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि मनुष्य जीवन की हर स्थिति और प्रत्येक परिस्थिति को अपने भीतर समेटा हुआ है। ये सत्य है कि मनुष्य पूर्णतः वही है जो वो सोचता है और उसका चरित्र उसके विचारों का ही कुल जमा योग है। जिस तरह धरती की गहरी परतों के नीचे छिपा कोई बीज बिना अंकुरण के बाहर नहीं आ सकता, इसी तरह व्यक्ति का प्रत्येक कर्म उसके विचारों का परिणाम है, जो कि ठीक बीज में अदृश्य प्रभाव की तरह है। विचार अदृश्य हों अथवा स्पष्ट तौर पर दिखने वाले, इन विचारों के बिना किसी भी कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बात स्पष्ट तौर पर सभी प्रकार के कार्यों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे उन्हें कितना ही त्वरित, अप्रत्याशित या बिना सोचे हुए किया हुआ अथवा सूझबूझ के किया हुआ माना जाए। कर्म विचारों से ही शोषित व पल्लवित होता है। सुख और दुख इसके फल हैं। व्यक्ति बाग के एक माली की तरह है जो अपनी बगिया में मीठे और कड़वे फल खुद लगाता है। मन में उपजे विचारों ने ही हमारा निर्माण किया है। हम आज जो कुछ भी हैं इन्हीं विचारों का परिणाम है।
अगर व्यक्ति के मन में गलत विचार पल्लवित हैं, तो दुख उसके पीछे पीछे वैसा ही चलेगा जैसे किसी बैलगाड़ी में जुते हुए बैल के पीछे पहिए। निश्चित जानिए, यदि किसी मनुष्य के विचार पवित्र हैं और उसमें सहन शक्ति है, तो यकीनन सुख उसके पीछे पीछे ठीक वैसे ही चलते हुए आएगा जैसे कि उसकी परछाई। मनुष्य जीवन नैसर्गिक नियमों के अनुसार विकास करता है, न कि किसी वास्तुकार की वास्तुकला की तरह। विचारों के भीतर ही कारण एवं परिणाम छिपे हुए हैं। ये विचारों के संसार में भी उतने ही स्थिर, सटीक और अपरिवर्तित हैं, जितने कि इस प्रत्यक्ष भौतिक संसार में। एक महान व्यक्तित्व और देवतुल्य चरित्र का निर्माण संयोग से अथवा भाग्य से नहीं होता, बल्कि ये लंबे समय तक सही दिशा में निरंतर उत्तम विचारों को दिए गए पोषण का परिणाम है। इसी तरह नीच या क्रूर चरित्र का होना भी मस्तिष्क में निरंतर घृणित और दुष्ट विचारों को स्थान देने का परिणाम है। मनुष्य ही स्वयं को बनाता या मिटाता है। विचारों के कारखाने में वो ऐसे हथियार बना सकता है जो उसे नष्ट कर दें, या ऐसे औजार बना सकता है जिनसे वो अपने रहने के लिए स्वर्ग जैसे आनंददायक और शांतिपूर्ण महल निर्मित कर ले। मनुष्य यदि सही विचार चुनता है तो उन्हें सही तरीके से क्रियान्वित करता है, तो वो मनुष्य देवताओं जैसी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ठीक इसके विपरीत, यदि मनुष्य गलत विचार चुनता है और गलत तरीके से उनका प्रयोग करता है, तो वो पशुओं के स्तर से भी नीचे गिर सकता है। मनुष्य के सारे चरित्र, सारे क्रियाकलाप इन्हीं दो चरम बिंदुओं के मध्य ही होते हैं, अर्थात मनुष्य देवतुल्य, उत्तम, सामान्य, दुष्ट या नीच, अधम, जो कुछ भी होते हैं, वो स्वयं ही अपने चरित्र का निर्माण करने वाला और उसका स्वामी है। वर्तमान काल में बहुत से पुराने और सुंदर सत्यों को संरक्षित कर प्रकाश में लाया गया है, पर उनमें से कोई भी इतना आनंदमयी और लाभदायक नहीं है, उतना दैवीय और विश्वास बढ़ाने वाला भी नहीं है, जितना ये तथ्य कि मनुष्य अपने विचारों का स्वामी है, अपने चरित्र को स्वयं सांचे में ढालने वाला है और स्वयं ही अपनी परिस्थितियों, माहौल और भाग्य का निर्माता है। शक्ति, बुद्धि, प्रेम और विचारों का मालिक होने के नाते मनुष्य के हाथ में वो चाबी है जिससे वो हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले सकता है, अपना कायाकल्प या नवीनीकरण कर सकता है और जो चाहे वो बन सकता है। मनुष्य हमेशा स्वामी ही होता है, अपनी सबसे दीनहीन अवस्था में भी, लेकिन अपनी दुर्बल अवस्था में वो एक मूर्ख स्वामी होता है जो अपनी गृहस्थी का बुरा संचालन करता है। जब वो अपनी स्थिति पर विचार करने लगता है और उन नियमों की तलाश में तत्परता से लग जाता है जिन पर उसका निर्माण हुआ है, तो वो एक बुद्धिमान स्वामी होता है। तब वो अपनी समस्त ऊर्जा और बुद्धि अपने विचारों को लाभदायक और फलदायी बनाने में लगाता है। ऐसा मनुष्य जागृत और चैतन्य स्वामी होता है, और ऐसा वो आंतरिक चेतना से विचारों के नियमों को खोजकर आत्मविश्लेषण और अनुभवों के आधार पर कर सकता है। बहुत खोजने और खुदाई करने के बाद ही खानों से सोना और हीरे प्राप्त किए जा सकते हैं। मनुष्य भी अगर अपनी आत्मा में गहराई तक उतरे तो अपने से जुड़े हर सत्य को पा सकता है। वो जान सकता है कि उसी ने अपने चरित्र का निर्माण किया है, अपने जीवन को इस सांचे में ढाला है, अपनी नियति को गढ़ा है। इस तरह ये सिद्ध कर सकता है कि विचारों पर नजर रखने, उन पर नियंत्रण रखने और उन्हें बदलने से उस पर, उसके जीवन पर, दूसरों के जीवन पर कितना प्रभाव होता है, और कर्मों और परिणामों को धैर्य, अभ्यास, गहन विश्लेषण और अपने अनुभव को प्रयुक्त करके आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जो है समझ बूझ, बुद्धिमानी और शक्ति। जो ढूंढता है वो पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। ये एक शाश्वत नियम है। धैर्य, अभ्यास और अटल संकल्प से ही मनुष्य ज्ञान के मंदिर में प्रवेश पा सकता है। अध्याय 2, विभिन्न परिस्थितियों का विचारों पर प्रभाव। मनुष्य के मन को एक बगीचे के तौर पर देखा जा सकता है,
जिसे एक माली या तो बुद्धिमानी से विभिन्न पोषण पदार्थ देकर हरा भरा रख सकता है या फिर लापरवाह होकर उसे उजाड़ सकता है। माली चाहे तो इस बगीचे को पुष्पित पल्लवित करने के लिए जोते अथवा उसकी उपेक्षा करे। जिसे भी अपनाया जाएगा वो अवश्य ही परिणाम देगा। बगीचे में उपयोगी बीजों का रोपण न होने पर वहां बेकार की खरपतवार उगेंगी और इसे नहीं हटाया गया तो वैसी ही खरपतवार अधिक मात्रा में उगकर उस पूरे बगीचे पर कब्जा कर लेंगी। बगीचे में जिस तरह से माली एक एक बीज बोता है, एक एक पौधे का रोपण करता है, फिर पौधों के अनुरूप पानी सींचता है, इन पौधों की वृद्धि के साथ वहां उगी खरपतवार को दूर करता है और उन फल फूल को लगाता है जो उनकी जरूरत के होते हैं, उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी अपने मन रूपी बगीचे की देखभाल करनी चाहिए। अनावश्यक दूषित और व्यर्थ के विचारों को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। ये ठीक बगीचे की तरह है। यदि इन अनुचित विचारों से स्थान भरा होगा तो अच्छे विचारों के लिए जगह नहीं होगी। मन हो या बगीचा, दोनों के पास जगह सीमित ही है। मन को चाहिए कि वो अपने उस मन रूपी बगीचे में सकारात्मक, शुद्ध, उपयोगी और सही विचारों को ही शोषित और पल्लवित करे। इस प्रक्रिया को यदि ईमानदारी से अपनाया जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मनुष्य अपने मन रूपी बगीचे का माली हो जाएगा। तब उसकी भीतरी स्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण भी हो जाएगा। मनुष्य यदि अपने विचारों की वास्तविकता को समझे तो निश्चित ही इस घटनाक्रम को समझा जा सकता है कि मन, चरित्र, परिस्थितियां और भाग्य सभी अच्छे या बुरे विचारों के माध्यम से सृजित होते हैं। विचार और चरित्र मूलतः एक ही हैं, क्योंकि वातावरण और परिस्थितियों के कारण ही चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र निर्माण मनुष्य की बाहरी परिस्थितियों और भीतरी अवस्था के परस्पर संबंध व तालमेल से धीरे धीरे निर्मित होती है। इसीलिए चरित्र दीर्घकालिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी समय पर जैसी हमारी परिस्थितियां हैं वे हमारे पूरे चरित्र को प्रदर्शित करती हैं। इसका अर्थ ये है कि वो तमाम परिस्थितियां हमारी विचारधारा के किसी जरूरी पहलू से तथा उस निश्चित समय के लिए इतनी नजदीकी से जुड़ी हुई हैं कि वे हमारी प्रगति के लिए आवश्यक हैं। आज हम या आप जहां भी खड़े हैं वो हमारे विचारों के कारण ही संभव हुआ है। वही विचार जिन्हें हमने अपने भीतर अदृश्य चरित्र में स्थापित कर रखा है, ये विचार ही हमें इस स्थिति तक लेकर आया है। चाहे ये विचार अच्छे हों अथवा बुरे, इनका स्वतः मूल्यांकन किया जा सकता है। तो स्पष्ट है कि हमारे जीवन में संरचना में संयोग के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन इतना सच है कि सब कुछ उस नियम का परिणाम है जो कि अचूक है और अपरिवर्तित भी। ये बात उनके लिए एकदम सही है जो अपनी परिस्थितियों के तालमेल से विपरीत होने का अनुभव करते हैं, और उनके लिए भी जो परिस्थितियों से संतुष्ट रहते हैं। एक प्रगतिशील और जागरूक मनुष्य के रूप में तुम जिस स्थान पर भी हो वहां से जीवन में प्रगति कर सको, ये ध्येय यानी कि लक्ष्य अनिवार्य है। इसलिए जैसे ही तुम इन परिस्थिति में निहित आध्यात्मिक सबक को भीतर से सीख लेते हो, वो चली जाती है और दूसरी नई परिस्थितियों के लिए जगह बनाती है। हम परिस्थितियों द्वारा कष्टों को तब तक ही सहन करते हैं जब तक कि हम इसमें लीन होते हैं और विश्वास करते रहते हैं कि हम बाहरी परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होते हैं। लेकिन जैसे ही हमें ये एहसास होता है कि हम एक ऐसे मनुष्य हैं जो परिस्थिति जन्य नहीं है, इसके हिसाब से बदल जाएं तो हम परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य हासिल कर लेते हैं। जिस किसी ने भी आत्म परीक्षण और आत्म संयम का अभ्यास किया है वो ये जानता है कि परिस्थितियां विचारों से ही पनपती हैं, क्योंकि उन्होंने निकटता से ये महसूस किया होता है कि उनकी परिस्थितियों में हुए बदलाव उनकी मानसिक स्थिति में किए गए बदलाव के अनुरूप ही होते हैं। एकदम सत्य है कि जब हम उत्सुकता और उत्साह के साथ
अपने चरित्र की कमियों को दूर करने में स्वयं को लगा देते हैं तो हम बहुत जल्दी प्रगति की तरफ बढ़ने लगते हैं और बहुत सारे परिवर्तन हमारे जीवन में सामने प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य की आत्मा जिसे भी गुप्त रूप से चाहती है, जिससे प्रेम करती है और जिससे डरती है, वो एक तरह से उसे आकर्षित करती है। ये संजोई हुई शक्ति आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचाती है और वो अनिश्चित बार बार प्रकट होने वाले भय की गहराइयों तक जाती है। परिस्थितियां वो माध्यम हैं जिस पर विजय या पराजय के बाद आत्मा स्वयं को प्राप्त करती है। प्रत्येक विचार रूपी बीज जिसे मन की परतों में बोया जाता है या जड़ पकड़ने दिया जाता है, फसल देता ही है और देर सवेर किसी कार्य के रूप में फलता फूलता ही है। उसमें परिस्थितियों के अनुरूप ही फल पकते हैं। अच्छे विचार के माध्यम से अच्छे फल और बुरे विचार के माध्यम से बुरे फल प्राप्त होते हैं। बाहरी परिस्थितियां मनुष्य के अंतर मन का निर्माण करती हैं और परिस्थितियां चाहे अच्छी हों या बुरी, ये वो घटक हैं जो किसी मनुष्य को प्रभावित करते हैं। विपरीत परिस्थितियां मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती हैं। अपनी फसल को हम स्वयं काटते हैं, इसीलिए कष्ट हो या आनंद, दोनों से ही हम सीखते हैं। हम अपनी उन सभी आंतरिक इच्छाओं, आकांक्षाओं, विचारों का अनुसरण करते हुए जिन्हें हम अपने पर हावी होने देते हैं, अंततः वे हमारे जीवन में बाहरी परिस्थितियों के रूप में होने के साथ धीरे धीरे भीतरी पूर्णता तक पहुंचती ही हैं। प्रगति और अनुरूपता के नियम सब जगह समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति गरीब स्थिति में या जेल में भाग्य अथवा परिस्थितियों की क्रूरता के कारण नहीं पहुंचता, बल्कि निम्न विचारों और घटिया इच्छाओं के कारण पहुंचता है। और न ही ऐसा होता है कि एक सच्चे मन वाला व्यक्ति यकायक किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर अपराध बोध से ग्रसित हो जाए। ये धीरे धीरे होता है। उस व्यक्ति के मन में अपराधी विचार गुप्त रूप से पनप रहा होता है और अवसर आते ही वो अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होता है। परिस्थितियां व्यक्ति का निर्माण नहीं करती, बल्कि व्यक्ति जैसा होता है उसके लिए उसी तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। केवल हमारे बुरे विचारों के अतिरिक्त कभी भी ऐसी परिस्थितियां हो ही नहीं सकती जो हमें बुराइयों या उसके साथी कष्ट की ओर हमें नीचे की तरफ लेकर जा सके। उसी प्रकार ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती जो बिना अच्छी और सफल आकांक्षाओं को निरंतर पैदा कर सके। हमें पुण्य और सफलता तथा उससे जुड़े सच्चे आनंद की ओर ऊपर उठना है। इसीलिए हम अपने विचारों के स्वामी और मुखिया होने के नाते स्वयं को बनाते हैं, अपनी परिस्थितियों को आकार देते हैं और उसके रचयिता भी हैं। जन्म के समय एक आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में आती है और उसकी धरती की यात्रा शुरू हो जाती है। वो अपने प्रत्येक कदम से उन स्थितियों के मिश्रण को आकर्षित करती है जो स्वयं प्रकट होती हैं, जो उसकी पवित्रता और अपवित्रता को, दुर्बलता और सामर्थ्य को प्रतिबिंबित करती हैं। हमें ये मानना चाहिए कि हम जिस किसी भी स्थिति परिस्थिति में हैं, उसे हम आकर्षित ही नहीं करते, बल्कि उसके निर्माता ही हम हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं, जुनून और पसंद हर कदम पर निष्फल होती हैं, परंतु हमारे आंतरिक विचार और इच्छाएं स्वयं के भोजन, चाहे अच्छा हो या बुरा, इन्हीं के द्वारा शोषित होते हैं। वह दिव्यता जो अंत में हमें आकार देती है, हमारे अंतर मन में है, वो हमारी आत्मा है। अतः हम स्वयं द्वारा ही एक प्रकार से कैदी बना लिए जाते हैं। हमारे खुद के विचार और कर्म ही हमारे भाग्य के जेलर हैं। यदि ये निम्न स्तर के और तुच्छ हैं तो निश्चित ही हमें कैदी बनाते हैं, लेकिन यही मुक्ति के दूत भी हैं। यदि विचार और कर्म अच्छे हैं तो मुक्ति प्रदान करते हैं। इस बात को भी जान लें कि हमें वो कभी नहीं मिलता जिसकी हम इच्छा करते हैं या जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें वही मिलता है जिसे कि हम सही तरीके से कमाते हैं। हमारी इच्छाएं व प्रार्थनाएं तभी पूरी होती हैं
और उनका फल भी हमें तभी मिलता है जब वे हमारे विचारों और कर्मों के साथ तालमेल खाती हैं। तो जब ये सत्य है तो इस दृष्टिकोण से परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ने का हमारे जीवन में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम हर पल बाहर हो रहे प्रभाव के विरुद्ध लड़ रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने हृदय में उसके कारण को शोषित व संरक्षित कर रहे होते हैं। ये कारण या तो बुराई या कमजोरी का रूप ले सकता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो दृष्टिकोण धारण करने वाले प्रयत्नों को मजबूती से रोकता है और किसी हल को खोजने को मजबूर करता है। ये एक विडंबना ही है कि हम में से अधिकांश व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में तो सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन स्वयं में बिल्कुल नहीं, और इसलिए हम न चाहते हुए भी एक दुविधा में बंधे रहते हैं। केवल एक ही चीज है, यदि हम ईमानदार तरीके से आत्म परीक्षण से मुंह न मोड़ें, तो हम कभी भी वो पाने से वंचित नहीं होंगे जिसे कि हमारा दिल चाहता है। ये सभी भौतिक विषयों के लिए भी उतना ही सत्य है जितना कि दैवीय विषयों के लिए। यदि हम केवल धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले हमें अनेक महान व्यक्तिगत त्याग करने को तैयार रहना चाहिए, और वे मनुष्य जो सशक्त और शांत जीवन चाहते हैं, उन्हें तो और भी अधिक त्याग करना होगा। जैसे कि कुछ लोग हैं जो अत्यंत गरीब हैं, वे बहुत बेचैन और परेशान रहते हैं कि उनके आसपास का माहौल और घरेलू सुख सुविधाएं सुधरनी चाहिए, फिर भी वे अपने काम से मुंह चुराते हैं और ये मानते हैं कि अपने मालिकों को धोखा देकर वे सही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। ये लोग इस मूलभूत सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे होते हैं जो कि सच्ची समृद्धि का आधार और न केवल अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए अयोग्य है, बल्कि बुरी परिस्थितियों के बारे में सोच सोच कर उसे वास्तव में अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। असल में ऐसे सभी लोग कमजोर, आलसी और भ्रमित विचारों में जी रहे हैं। दूसरी ओर कुछ अमीर लोग जो अनियमित दिनचर्या और अनियंत्रित भोजन सेवन के कारण कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, वो इन बीमारियों से राहत पाने के लिए खूब सारा पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन अत्याधुनिक खाने और अनियमित दिनचर्या की अपनी आदत को बदलने में बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। उन्हें अपनी इच्छा संतुष्ट करने वाले चटपटे और लजीज व्यंजन ही पसंद होते हैं, और वो उनसे ही सभी संतुष्टि पाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि उन्होंने स्वस्थ जीवन के मूलभूत सिद्धांत को अभी तक सीखा ही नहीं है। कई मालिक ऐसे होते हैं जो अधिक आर्थिक व व्यक्तिगत लाभ के लिए गलत रास्ते को भी अपना लेते हैं, साथ ही अपने हितों के लिए अपने ही अधीनस्थ काम कर रहे कर्मचारियों को वेतन भी कम देते हैं। ऐसे मालिक समृद्धि के बिल्कुल योग्य नहीं है, और जब उनका दीवाला निकल जाता है, तब वे परिस्थितियों को दोष देते हैं और ये नहीं जानते कि इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। अपनी इस इबारत का निर्माण उन्होंने खुद किया है। ये तीन उदाहरण इस सत्य को उजागर करते हैं कि अपनी परिस्थितियों का निर्माता मनुष्य स्वयं होता है। हालांकि अचेतन रूप से वो यह करता है, और इसका उद्देश्य तो निश्चित ही अच्छा होता है, लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति की राह में बाधाएं वो स्वयं ही उत्पन्न करता है। वो ऐसे विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करता है जो उसके तात्कालिक उद्देश्य से मेल नहीं खाती, इसीलिए वो उस उद्देश्य को प्राप्त भी नहीं कर पाता। ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप जो इसे पढ़ और सुन रहे हैं चाहें तो विचारों के नियमों के परिणामों को अपने भीतर मन में और जीवन में देख सकते हैं। मनुष्य की परिस्थितियां इतनी जटिल और विचारों की जड़ें इतनी गहराई में बसी होती हैं कि अलग अलग लोगों की खुशियों की परिभाषा भी भिन्न भिन्न ही होती है। ये इतनी अलग अलग और उलझी हुई होती है कि किसी मनुष्य की बाह्य और अभ्यंतर परिस्थितियों का मूल्यांकन करके कोई दूसरा मनुष्य इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। कोई मनुष्य कुछ ईमानदार हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन में कष्ट हो सकते हैं, और कोई मनुष्य कुछ बेईमान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो धनवान हो सकता है।
फिर भी यह सोचना पूरी तरह से बेईमानी ही है कि एक मनुष्य अपनी ईमानदारी के कारण कष्टों को पा रहा है और कोई उसी के समतुल्य दूसरा व्यक्ति अपनी बेईमानी के कारण धनी बना। यह सोचना इसलिए भी सतही या बेईमानी है क्योंकि अधिकांशतः ऐसा मान लिया जाता है कि बेईमान आदमी पूर्णतः भ्रष्ट है और ईमानदार आदमी पूरी तरह से पुण्यात्मा। गहरे ज्ञान और विस्तृत अनुभव के आधार पर यह निर्णय सही नहीं माना जा सकता है। ईमानदार व्यक्ति की तुलना में बेईमान व्यक्ति में भी कुछ ऐसे प्रशंसनीय गुण हो सकते हैं जो दूसरों में नहीं है या शून्य है। दूसरी ओर ईमानदार व्यक्ति भी कुछ ऐसे दुर्गुणों को रखने वाला हो सकता है जो दूसरों में नहीं है। ईमानदार व्यक्ति अच्छे विचारों और कर्मों का फल पाता है लेकिन अपने दुर्गुणों यानी खामियों के चलते कष्टों का भी अनुभव करता है। बेईमान व्यक्ति भी उसी तरह से ही कष्ट या खुशी का अनुभव करता है। इस तरह दोनों को ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है। मानव मन को यह मानना अच्छा लगता है कि व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण कष्ट में होता है लेकिन जब तक हम अपने मन से हर नकारात्मक कड़वे और दूषित विचार को निकालकर नहीं फेंक देते और अपनी आत्मा से हर अस्वच्छ दाग को नहीं साफ कर देते हम क्या उस स्थिति में हो सकते हैं जहां हम ये जान पाएं और घोषित कर पाएं कि हमारा कष्ट हमारी तकलीफ हमारे अच्छे नहीं बल्कि बुरे गुणों या बुरे कर्मों के फलस्वरूप है। उस परम पूर्णता के पथ पर पहुंचने से बहुत पहले हमें अपने जीवन और मन में कार्यशील उस महान नियम का पता चल जाएगा जो पूर्णतः न्याय संगत है, जो बुरे के बदले अच्छा या अच्छे के बदले बुरा फल नहीं देगा। जब हमें ऐसा ज्ञान मिल जाता है तब हम ये जान जाते हैं कि हमारा जीवन सदा से ही न्याय संगत रहा है और हमारे पूर्व के सारे अनुभव सही और गलत हमारे विकसित या अविकसित स्वरूप के ही स्पष्ट रूप से उचित परिणाम थे। ये एक शाश्वत सत्य है कि अच्छे विचार और कर्म कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते। ठीक इसी प्रकार बुरे विचार और कर्म भी कभी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। इसी तरह एक अटल सत्य बस यही कहना है कि आम के पेड़ से हमें आम का ही फल प्राप्त होता है, नीम के पेड़ से नीम का ही फल मिलता है और कुछ नहीं। हम प्राकृतिक जगत में रहते हैं और इसके नियमों को समझते हैं और इसके अनुरूप कार्य भी करते हैं या कार्य होता हुआ देखते हैं लेकिन विडंबना यह है कि कुछ ही मनुष्य मानसिक व नैतिक जगत में इस रहस्य को समझते हैं। यही कारण है कि साधारण सहज व अटल सत्य से विमुख होने वाले व्यक्ति इसके अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कष्ट या पीड़ा आपके द्वारा गलत दिशा में लगाए गए विचारों का परिणाम है। ये एक संकेत है कि हमारा जीवन अपने आप से अपने अस्तित्व के नियम से तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। कष्ट का एकमात्र और उच्चतम कार्य शुद्धि करना यही है और वो जो सब पूरी तरह बेकार और अशुद्ध है उसे जला देना या नष्ट कर देना, अपने उस मन मस्तिष्क को खत्म कर देना जो कष्टों के कारण है और फिर वो जो शुद्ध है शेष रहेगा। एक बार जब सोने से मैल हट जाता है तो उसे जलाते रहने का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसी तरह से पूरी तरह से शुद्ध व ज्ञान से साक्षात्कारी व्यक्ति कष्ट में नहीं रहता। ऐसी परिस्थितियां जिनसे हम कष्ट प्राप्त करते हैं वो हमारी मानसिक असंगति का परिणाम है। ऐसी परिस्थितियां जिनके होने से हम कृपा आनंद और उत्साह से भर जाते हैं वे हमारी मानसिक संगति का नतीजा है। कृपा आनंद उत्साह ये सब मानसिक पवित्रताएं हैं। ये भौतिक संपत्तियों से नहीं बल्कि सही विचार और उसके लिए अपनाए गए स्पष्ट दृष्टिकोण से संबंधित हैं। इसी प्रकार हमारे कष्ट और क्लेश भौतिक संपत्ति की कमी से नहीं है बल्कि अनुचित विचारों से संबंधित हैं। कुछ लोग दुखी और अमीर होते हैं, कुछ लोग सुखी और गरीब होते हैं। ये परस्पर विरोधाभास है। पवित्रता और अमीरी का मिलन तब ही हो पाता है जब धन का सही और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाता है। वहीं निर्धन या गरीब अधिक कष्टों को तभी प्राप्त करते हैं
जब वे मन को ये दिलासा देने में कामयाब हो जाते हैं कि उन पर बेवजह ही बोझ लाद दिया गया है। गरीबी और अति भोग पीड़ा के दो चरम पहलू हैं। ये दोनों ही अस्वाभाविक हैं और दोनों ही मनुष्य के मानसिक असंतुलन का नतीजा हैं। जब तक हम खुश, स्वस्थ और समृद्ध नहीं होते तो ये इस बात का सूचक है कि हमारे आंतरिक विचारों में गड़बड़ी है। खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि का संबंध हमारी भीतरी और बाहरी परिस्थितियों से है। ये उत्साह इन परिस्थितियों के तालमेल का ही अंतिम परिणाम है। जब हम शिकायत और निंदा करना बंद करते हुए उस छिपे हुए अदृश्य गूढ़ रहस्य या नियम को जो हमारे जीवन को संचालित करता है उसकी खोज में जुट जाते हैं, तब हम खुश, स्वस्थ और समृद्ध होना शुरू हो जाते हैं। एक बार जब हम अपने मन में इस नियम को संचालित करने के गुण अपना लेते हैं तो हम दूसरों पर हमारे लिए उत्पन्न किए जाने वाले कष्टों का दोषारोपण करना बंद कर देते हैं। हम परिस्थितियों पर चीखना चिल्लाना बंद करते हुए अपने तीव्र विकास के लिए अपने भीतर छिपी शक्तियों और संभावनाओं का एक अनमोल व अचूक साधन के रूप में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। अन्याय नहीं न्याय, भ्रष्टाचार नहीं सदाचार, यही सृष्टि के प्रबल सिद्धांत हैं और यही संसार को ढालने और चलाने वाली शक्तियां हैं। इसका स्पष्ट रूप में अर्थ यह है कि मनुष्य को बस स्वयं को ही सही करना है और उसके बाद वो देखेगा कि संसार अपने आप सही हो गया है। अगर किसी ने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा रखा है तो उसे संसार काला ही दिखेगा। यदि हमारा संसार को देखने का नजरिया त्रुटिपूर्ण होगा तो संसार भी हमें त्रुटिपूर्ण ही दिखाई देगा। जिस भी समय हम अपने नजरिए और विचारों में बदलाव कर लेते हैं उसी समय से संसार और उसमें घटने वाली घटनाओं में भी अकस्मात बदलाव आ जाते हैं। संसार के हर एक व्यक्ति में इस सत्य के प्रमाण मौजूद हैं। इसे नियमित आत्म परीक्षण और आत्म विश्लेषण के सरल मूल्यांकन द्वारा जाना व समझा जा सकता है। यदि हम इस मूलभूत तौर पर किए गए अपने विचारों के बदलाव को देखें तो हम अपने भौतिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में आए अचानक बदलाव को देखकर दंग रह जाएंगे। इस रूपांतरण के बाद हमें ऐसा लग सकता है कि हम अपने इन नायाब विचारों को गुप्त रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये सौभाग्य से जल्दी ही हमारी आदत में बदल जाते हैं और यही आदत परिस्थितियों का रूप धारण कर लेती है। निकृष्ट विचार, आक्रोश और नशे का सेवन करना धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और यही आदत परिणाम स्वरूप व्यक्ति के कष्ट, पीड़ा और गरीबी का रूप ले लेती है। व्यक्ति के ये विनाशकारी विचार स्वयं को उलझाने वाली थकाऊ आदतें बन जाती हैं जो हमारा लक्ष्य से ध्यान भंग करने वाली और विपरीत परिस्थितियों को आकार देने वाली होती हैं। डर, संशय और अनिर्णायक विचार कमजोर और बेमेल आदतों का रूप ले लेते हैं जो असफलता, गरीबी और दूसरों पर बोझ बनने की परिस्थितियों के रूप में आकार लेती हैं। आलसी विचार बेईमानी और गंदगी का रूप ले लेते हैं जो दरिद्रता और पतन का आकार लेते हैं। घृणित और दंडनीय विचार हिंसा और आरोप लगाने की आदत का रूप ले लेते हैं जो चोट लगने व दंड मिलने वाली परिस्थितियों का आकार ले लेते हैं। हर तरह के स्वार्थी विचार केवल स्वार्थीपन को ही जन्म देते हैं जो उन परिस्थितियों का निर्माण कर देती हैं जो व्यक्ति के लिए दुखदायी होती हैं। यदि हम इसके दूसरे पक्ष को देखें तो अच्छे विचार कृपा और अच्छाई उत्साह का रूप धारण कर लेती हैं जो प्रिय और सुखद परिस्थितियों को आकार देती हैं। रचनात्मक विचार आत्मसंयम और संतुलित मन का रूप लेते हैं जो शांति और विश्रांति की परिस्थितियों का आकार लेते हैं। साहस और आत्मनिर्भरता के विचार सशक्त और फलदायी आदतों का रूप ले लेते हैं जो सफलता, प्रचुरता और मुक्ति की परिस्थितियों को आकार देते हैं। ऊर्जापूर्ण विचार अच्छी व आगे बढ़ने वाली आदतों को जन्म देते हैं
मृदुल व क्षमाशील विचार मृदुलता की आदत का रूप ले लेते हैं, जो सुरक्षित व स्वस्थ परिस्थितियों को आकार देते हैं। प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ विचार दूसरों के लिए स्वयं को भूल जाने की आदत का रूप लेते हैं, जो निश्चित और स्थायी प्रचुरता व सच्ची समृद्धि की परिस्थितियों को आकार देते हैं। लंबे समय तक एक ही तरीके की विचारधारा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, चरित्र और परिस्थितियों पर अपना प्रभाव जरूर छोड़ती है। यकीनन हम अपनी परिस्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन अपने विचारों का चुनाव कर सकते हैं, और ये एक छोटा सा बदलाव अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित ही हमारे द्वारा सोची गई परिस्थितियों को आकार दे सकता है। प्रकृति हमारे साथ और हमारे माध्यम से ही काम करती है, जिससे कि हम उन विचारों का आनंद उठा सकें जिन्हें हम अपने भीतर शोषित करते हैं। प्रकृति द्वारा ऐसे अवसर निरंतर प्रस्तुत किए जाते हैं, बुरे या विनाशकारी विचारों को सतह पर ले आते हैं। जैसे ही हम अपने घृणित व विनाशकारी विचारों को त्यागते हैं, पूरा संसार हमारे प्रति मृदुल हो जाता है और हमारी मदद करने को तैयार हो जाता है। जैसे ही हम अपने कमजोर और दूषित विचारों को दूर करते हैं, हर तरफ से ऐसे अवसर आने लगते हैं जिससे कि हमारे सशक्त संकल्प को मदद मिले। जैसे ही हम अच्छे विचारों को बढ़ावा देते हैं, तो कोई भी दुर्भाग्य हमें शर्म और कष्ट से घेरता नहीं है। संसार हमारे भीतर निर्मित हुए इस बहुरूप को दिखाने वाला टेलीस्कोप है और हर क्षण वो विभिन्न रंगों को प्रस्तुत करता है, जो कि हमारे निरंतर उभरते विचारों के अद्भुत चित्र हैं। अध्याय 3, विचारों का स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव। शरीर मन का सेवक है, ये मन के आदेशों का पालन करता है, चाहे वो आदेश सोच समझ कर दिए गए हों या फिर स्वयं ही प्रकट हुए हों। शरीर सेवा की प्रकृति से बंधा हुआ है, ये आदेशों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मानव शरीर दूषित विचारों के चलते जल्दी ही बीमार होने के कारण कमजोर पड़ता है और पतन की ओर बढ़ने लगता है। मन को हर्षित और सुंदर विचार प्राप्त होते हैं तो ये इस आज्ञा का पालन करते हुए शरीर को सुंदरता और यौवन से सुसज्जित करना शुरू कर देता है। परिस्थितियों की तरह ही रोग और स्वास्थ्य की जड़ें भी विचारों में ही निहित होती हैं। रोगग्रस्त विचार स्वयं को बीमार शरीर द्वारा प्रकट करेंगे। ऐसा पाया गया है कि भय के विचार व्यक्ति को उतनी ही जल्दी मार डालते हैं जितना कि बंदूक की किसी गोली या कोई अन्य हथियार, और ये भय व्याप्त विचार हजारों की संख्या में लोगों को निरंतर इसी तरह लेकिन धीरे धीरे मार रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो किसी न किसी बीमारी के हो जाने के डर में जीते हैं, अमूमन उन्हें वही बीमारी पकड़ती है। चिंतित विचार यानी कि चिंता बहुत ही जल्दी पूरे शरीर को हतोत्साहित करती है और शरीर को रोग के प्रवेश के लिए कमजोर बना देती है। गलत विचार भले ही शारीरिक तौर पर प्रहार न करें, लेकिन मन और मस्तिष्क पर इनका बहुत गहरा असर होता है। सशक्त, शुद्ध और प्रसन्न विचार व्यक्ति के शरीर को जोश और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। शरीर नाजुक और जल्द ढलने वाला यंत्र है और उन सभी विचारों पर तत्परता से प्रतिक्रिया करता है जो उस पर अपना प्रभाव जमाते हैं। ये सभी विचार आदत का रूप धारण कर शरीर पर उसका प्रभाव छोड़ेंगे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। जब तक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अशुद्ध और अस्वस्थ विचारों का प्रवाह होगा, तो उनमें से उसी के अनुरूप अशुद्ध और अस्वस्थ रक्त प्रवाहित होगा। स्वस्थ हृदय से शुद्ध जीवन और शुद्ध शरीर उत्पन्न होता है। दूषित मन से अस्वस्थ जीवन और अशुद्ध शरीर ही जन्म लेता है। मन और मस्तिष्क विचारों का, कर्म का और जीवन को उत्साह पूर्वक प्रकट करने का मूल स्रोत है। यदि हम स्रोत को शुद्ध करेंगे तो भीतर और बाहर सब शुद्ध हो जाएगा। भोजन की शैली बदलना उन लोगों की मदद नहीं करेगा जो अपने विचारों को नहीं बदलना चाहते। जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं
तब हमें अशुद्ध भोजन की चाह नहीं होती। स्वच्छ विचार ही स्वच्छ आदतों का निर्माण करते हैं। जिसने भी अपने विचारों को सशक्त और शुद्ध किया है, उन्हें किसी भी हानिकारक परिस्थितियों से भयभीत होने या घबराने की जरूरत नहीं होती है। यदि आप अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने मन और मस्तिष्क की रक्षा करो। यदि आप शरीर को नया रखना चाहते हैं, उसे अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को सुंदर बनाओ। दुर्भावना, जलन, निराशा, उदासी के विचार शरीर के स्वास्थ्य और उसकी निर्मल चमक को खत्म कर देते हैं। चिड़चिड़ा चेहरा एकाएक नहीं बन जाता, वो उग्र विचारों से बनता है। जो झुर्रियां चेहरे को खराब दिखाती हैं, वो मूर्खता, पीड़ा और घमंड के कारण ही उत्पन्न होती हैं। तनावग्रस्त व्यक्ति का चेहरा ही सामान्य की तुलना में बीमार और मुरझाया सा दिखाई देता है। मैं एक ऐसी महिला को जानता हूं जो 96 साल की है, लेकिन उनका चेहरा किसी छोटी बच्ची के भोलेपन की तरह तेजस्वी और निखरा हुआ दिखाई देता है। मैं एक ऐसे आदमी को भी जानता हूं जो है तो अधेड़ उम्र का, लेकिन उसका चेहरा अप्राकृतिक झुर्रियों से भरा हुआ है। एक खुशमिजाज दिल व सकारात्मकता का नतीजा है तो दूसरा कष्ट व असंतुष्टि का। हम सब जानते हैं कि हम रहने के लिए एक सुंदर और परिपूर्ण जगह का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम हवा और रोशनी को अपने कमरों से मुक्त रूप से आने जाने न दें। हम सब जानते हैं कि हम रहने के लिए एक सुंदर और परिपूर्ण जगह का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम हवा और रोशनी को अपने कमरों में मुक्त रूप से आने जाने न दें। वैसे ही एक सशक्त शरीर और नूरानी, खुश और शांत चेहरा तभी मुकम्मल हो सकता है जब हम अपने मन में हर्ष, सद्भावना और शांत विचारों को मुक्त भाव से आने की खुली छूट दें। वृद्ध लोगों के चेहरों पर सहानुभूति की झुर्रियां होती हैं। कुछ सशक्त और शुद्ध विचार से बनती हैं और अधिकांश नकारात्मक भावनाओं द्वारा, और कौन इसमें फर्क नहीं देख पाता। जाहिर है, जिन्होंने न्याय संगत जीवन जिया है उनका जीवन शांतिपूर्ण, स्तब्ध और मृदुल हो चुका है, अस्त होते सूर्य की तरह। हाल ही में मैंने एक दार्शनिक को उसकी मृत्यु के अंतिम क्षणों में देखा, या यूं कहूं कि वो मृत्यु शैया पर था। वो अपने शरीर के अलावा बूढ़ा नहीं दिख रहा था। उसकी मृत्यु उतनी ही शांतिपूर्ण थी जितना कि उसका जीवन था। शरीर की बीमारियों को दूर भगाने के लिए जिंदा दिल विचारों के पोषण से अच्छी व बेहतर कोई अन्य चिकित्सा नहीं है। दुख और शोक की परछाई को हटाने के लिए सद्भावना जैसी तसल्ली देने वाली कोई चीज हो ही नहीं सकती। सदा दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचना, अनुचित व दोषपूर्ण भाव रखना, शक करना और ईर्ष्या के विचार रखना ठीक वैसा ही है जैसा स्वनिर्मित कारावास में खुश रहना। सबके बारे में अच्छा सोचना, सबके साथ खुश रहना, धैर्य के साथ ये सीखना कि उनमें केवल अच्छा ही देखना है, ऐसे निस्वार्थ विचार और भाव मनुष्य को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। दिन प्रतिदिन हर प्राणी के प्रति शांतिपूर्ण विचार रखने वाले मनुष्य में अद्भुत शांति अपने आप आने लगती है। अध्याय 4, विचार और उद्देश्य। जब तक हमारे द्वारा विचारों को अपने उद्देश्य के साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक जीवन में कोई असामान्य व प्रतिष्ठापूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं होती। अधिकांश लोग ये करते हैं कि स्वयं को विचारों की नाव पर बिठाकर सागर में बहती दिशाहीन धाराओं में बहने देते हैं। याद रखिए, दिशाहीनता हर स्तर पर बुरी ही होती है, और जो लोग विपत्ति और विनाश से दूर रहना चाहते हैं, उन्हें बेहद सतर्क रहते हुए इस प्रकार की दिशाहीन धाराओं के मध्य बहने से खुद को रोकना चाहिए। जिन लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, वे बहुत ही जल्दी निम्न स्तर की चिंताओं, बेकार की बातों, भय, समस्याओं
और अपने प्रति दया रखने के भाव से ग्रस्त हो जाते हैं, और ये सब कमजोरी की निशानी है। ये सब निकृष्ट विचार हैं जो कि व्यक्ति को असफलता, अप्रसन्नता और नुकसान की ओर ले जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोच समझकर किया गया अपराध, क्योंकि दुर्बलता शक्तिशाली ब्रह्मांड में निवास नहीं कर सकती। व्यक्ति को अपने हृदय में एक न्याय संगत उद्देश्य के बारे में कल्पना करनी चाहिए और इसे यथार्थ बनाने के लिए कार्यशील हो जाना चाहिए। हमें इस उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्र बिंदु बना लेना चाहिए। उस समय हमारी प्रकृति कैसी है, उसके अनुसार वो किसी आध्यात्मिक लक्ष्य का या फिर भौतिक वस्तु का रूप ले सकता है। लेकिन जो भी वो हो, हमें अपने सामने रखे इस वस्तु स्थिति पर अपनी विचार शक्ति को पूरी दृढ़ता व विश्वास के साथ केंद्रित करना चाहिए। हमें इन विचारों को अपना उच्चतम कर्तव्य मानकर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लग जाना चाहिए और इसकी प्रगति के लिए स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इन विचारों को क्षणिक रुचियों, चाहतों और कल्पनाओं के पीछे नहीं भागने दें। आत्मसंयम एक प्रकार से राजसी मार्ग है और विचार की सच्ची एकाग्रता है। यदि हम बार बार अपने उद्देश्य को पाने में असफल हों, यह तब तक होता रहेगा जब तक हम अपनी दुर्बलताओं से ऊपर नहीं उठ जाते। चरित्र का मजबूत होना ही किसी भी व्यक्ति के जीवन की सच्ची सफलता होगी और ये भविष्य के सामर्थ्य और विजय की नई शुरुआत होगी। वो लोग जो अपने जीवन में किसी महान उद्देश्य को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, उन्हें भी अपने जीवन में विचारों को केंद्रित करके ही कोई कार्य करना चाहिए, भले ही फिर उनका कार्य कितना ही छोटा क्यों ना हो। केवल एक किसी युक्ति से विचारों को एकत्रित करके केंद्रित किया जा सकता है और संकल्प और ऊर्जा को विकसित किया जा सकता है। इसके विकसित हो जाने के बाद ऐसा कुछ भी शेष नहीं रह जाता जिसे कि हासिल न किया जा सके। कमजोर आत्मा अपनी कमजोरी को जानते हुए और इस सत्य में विश्वास रखते हुए कि सामर्थ्य को प्रयत्न और अभ्यास द्वारा ही विकसित किया जा सकता है, तुरंत ही प्रयत्नशील हो जाती है। जिस प्रकार शारीरिक तौर पर कमजोर लोग सतर्क और धैर्यपूर्ण प्रशिक्षण द्वारा अपने आप को सशक्त बनाते हैं, वैसे ही कमजोर विचार वाले लोग स्पष्ट और अच्छी सोच के निरंतर अभ्यास से खुद को सशक्त बना सकते हैं। दिशाहीनता और कमजोरी को परे हटाकर और किसी उद्देश्य के साथ सोचना, उन सशक्त लोगों की श्रेणी में पहुंचना है जो कि असफलता को सफलता की प्राप्ति के मार्ग के रूप में पहचानते हैं और जो सब परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं और जो सशक्त सोच रखते हैं, बिना किसी भय के प्रयास करते हैं और कुशलता से उसे प्राप्त करते हैं। वे हर पल विकास करते हैं और अंततः महान शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन का उद्देश्य तय करे, इसके बाद मानसिक तौर पर उसे प्राप्त करने का सीधा मार्ग तय करे। जब मार्ग सही से तय हो जाए तो फिर हमें दाएं बाएं या ऊपर नीचे नहीं देखना चाहिए। इस पर किसी प्रकार का वाद विवाद भी मन में नहीं होना चाहिए और इसी के साथ संशय और डरों को भी हमें नष्ट कर देना चाहिए। ये वे विच्छेदक तत्व हैं जो हमारे लक्ष्य को भेदने की दिशा को भंग करते हैं। ये विदूषक तत्व हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। भय और शंका का मन में उत्पन्न होने से हमारा उद्देश्य, ऊर्जा, शक्ति और सभी शक्तिशाली विचार यकायक रुक जाते हैं। भय और शंका मानव की एकाग्रता के दुश्मन हैं। ये मनुष्य के आत्मविश्वास के भी दुश्मन हैं। जब तक ये दुश्मन आपके मन में रहेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत और एकाग्रता से प्रयास नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन से इस भय और शंका को बाहर निकाल कर फेंक दें और एकाग्र चित्त हो आत्मविश्वास को मन में धारण कर लें। मनुष्य के मन में कुछ पाने व करने की इच्छा इस ज्ञान से उभरती है कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन भीतर जन्मी शंका और भय ज्ञान के सबसे बड़े शत्रु हैं। और जो मनुष्य इसे बढ़ावा देते हैं, इन्हें मारते या कुठाराघात नहीं करते,
वो स्वयं को प्रगति की राह में निष्फल करते हैं। ऐसा मनुष्य जो शंका और भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह सफलताओं पर भी सफलता अर्जित कर लेता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शंका और भय पर विजय प्राप्त कर ली है, उन्होंने असफलता पर विजय प्राप्त कर ली है। उनका हर विचार सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है और वे सभी समस्याओं का साहस के साथ सामना करके उन्हें बुद्धिमानी से स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे संयत व्यक्ति के उद्देश्य समय के अनुरूप होते हैं और वो समय पर उन्हें पूरा करने में भी सफलता अर्जित कर लेते हैं। वो अपने उद्देश्यों का बीजारोपण सही समय पर करते हैं और यही कारण होता है कि उनके पेड़ों के फल असमय जमीन पर नहीं गिरा करते। उनके भय रहित विचार उद्देश्यपूर्ण रचना शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। इस गूढ़ रहस्य को जो जानते हैं, वे सदैव तैयार रहते हैं। उनके विचारों में कभी भी परिस्थितियों के हिसाब से भटकाव या ठहराव नहीं आता। वो एक योद्धा की तरह डटे रहते हैं। वो अपने विचारों को अपने उद्देश्य के साथ निरंतर जोड़ते हैं और अपनी मानसिक शक्ति के जागरूक और बुद्धिमान शासक बन जाते हैं। अध्याय 5, विचार उपलब्धियों का एक मुख्य तत्व। मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है या जो कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा रखता है, लेकिन उसमें असफल हो जाता है, यह सब उसके अच्छे और बुरे विचारों का ही प्रतिफल है। यह सब संसार में संतुलन बनाए रखने व बिगड़ने के कारण है। प्रकृति में जहां संतुलन की कमी होती है, वहां विनाश हो सकता है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित जिम्मेदारी भी सुनिश्चित है, जिसे उसे संतुलित रहते हुए पूर्ण करना चाहिए। सौभाग्य से यह सृष्टि न्यायपूर्ण है। तुम कितने ही ताकतवर हो या कितने ही कमजोर, कितने ही शुद्ध हो और कितने ही अशुद्ध, तुम में कितनी ही सकारात्मकता और नकारात्मकता व्याप्त क्यों ना हो, यह सब कुछ तुम्हारे अपने हैं, अपने भीतर है। इसके तुम ही मालिक हो, ये किसी और के नहीं है। तुम्हारी अच्छी बुरी ऊंची नीची जिस भी प्रकार की दशा है, वो सब तुम्हारी अपनी है, ये किसी और की नहीं है। तुम्हारे भीतर से ही तुम्हारे दुख और सुख फूटते हैं। तुम जीवन में जिस तरह से सोचते हो, वैसे ही तुम हो, और जैसा तुम निरंतर सोचते रहते हो, वैसा ही तुम बने रहते हो। संसार का यह निर्विवाद सत्य है कि सशक्त लोग कमजोर लोगों की तब तक मदद नहीं करते जब तक कि कमजोर लोग मदद लेने के लिए इच्छुक ना हो। बावजूद इसके, तब भी कमजोर व्यक्ति को स्वयं ही सशक्त होना पड़ेगा। उसे स्वयं ही अपने प्रयत्नों के माध्यम से उस ताकत को विकसित व अर्जित करना होगा जिसकी कि हमेशा दूसरे लोग सराहना करते हैं। याद रखिए, केवल आप स्वयं ही अपनी परिस्थितियों के निर्माता हैं और आप ही इसमें बदलाव कर सकते हैं। जीवन में जैसा तुम सोचते हो, वैसे तुम हो, और जैसा तुम सोचते रहते हो, वैसे तुम बने रहते हो। यही क्रम है जो कि बदलता नहीं। शोषण करने वाले और शोषित होने वाले दोनों ही अज्ञानतावश सहयोग देते हैं, दोनों ही एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। वास्तविक स्वरूप में वो अपने आप को तकलीफ दे रहे होते हैं। सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति के अर्जित वैभव को पूर्ण ज्ञान, कर्म के नियम द्वारा शोषितों की कमजोरी और शोषण करने वाले की दमनकारी शक्ति के रूप में देखा जाता है। सृष्टि के नियमानुसार पूर्ण प्रेम दोनों के ही कष्टों को देखकर किसी का भी हनन नहीं करता। पूर्ण करुणा शोषण करने वाले और शोषित होने वाले दोनों को ही अपनाती है। जब किसी ने भी अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर ली है और सभी स्वार्थी विचारों को त्याग दिया है, ऐसे व्यक्ति न तो दमनकारी होते हैं और न ही दमन स्वीकार्य करते हैं। सही अर्थ में वो पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं। हम अपने विचारों को ऊंचाई पर ले जाकर ही ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं जिसकी कि हमने अभिलाषा की है। यदि हम अपने विचारों को ऊपर की ओर न उठाएं, तो फिर हम केवल निरर्थक और क्षुद्र व्यक्ति ही बनकर रह जाएंगे।
कुछ भी प्राप्त करने के पूर्व, चाहे वो सांसारिक वस्तु ही क्यों ना हो, हमें अपने भीतर उठने वाले विचारों को भोग विलास से ऊपर उठाना चाहिए। हमें सफलता के लिए सब स्वार्थ छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों को अवश्य छोड़ देना चाहिए। यदि हमारे प्रमुख विचारों में विलासिता ही है, तो हम स्पष्ट रूप से विचारों को सोच नहीं पाते हैं और इसलिए हर क्षेत्र में असफल होते हैं। जब तक हम अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से नियमित व नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम विभिन्न कार्यों और गंभीर जिम्मेदारियों को निभाने के काबिल नहीं हो पाएंगे। हम भौतिक तौर पर देखें तो खुद को अकेला देख सकते हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर देखें तो ऐसी परिस्थितियों में न ही हम अकेले कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं और ना ही बिना किसी सहारे के खड़े हो सकते हैं। ये विचार ही हैं जो हमें अकेलेपन का एहसास नहीं होने देते हैं। इन्हें हमने स्वयं चुना है। ये अच्छे बुरे जैसे भी विचार हों, इनका चयन हमने ही किया होता है। हम इसके ही दायरे में बंधे हुए होते हैं। त्याग किए बिना ना ही किसी प्रकार की प्रगति हो सकती है और ना ही कोई उपलब्धि हासिल की जा सकती है, क्योंकि जीवन में हर एक चीज को हासिल करने के बदले में हमें उसका मूल्य अवश्य चुकाना पड़ता है। हमारी सांसारिक सफलता इस बात से सीधे तौर पर संबंधित होती है कि हमने किस हद तक स्वार्थ और विलासिता के विचारों पर नियंत्रण किया है और अपने मन को अपनी योजनाओं के साथ विकसित तथा अपने संकल्प व आत्मनिर्भरता को सशक्त करने में लगाया है। हम अपने विचारों को जितना उच्चतम रखेंगे, हम उतने ही ज्यादा तर्क संगत, सही और आदर्शवादी बन पाएंगे। इसी के साथ उतनी ही अधिक हमारी सफलता होगी और हमारी उपलब्धियां उतनी ही अधिक सकारात्मक, स्थायी और लोगों के प्रेम व आशीर्वाद से भरी होंगी। लालची, बेईमान और नकारात्मक विचारों के मनुष्य का प्रकृति कभी साथ नहीं देती। हालांकि सतही तौर पर यह लग सकता है कि यह सच नहीं है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। प्रकृति ईमानदार, उदार हृदय पुण्यात्मा की मदद करती है। अलग अलग युगों के महान शिक्षकों ने यह अलग अलग तरीके से बताया है और इसको जानने व सत्य साबित करने के लिए आपको अपने सुखद विचारों को सकारात्मक और उच्च बनाकर पुण्यात्मा बनकर कार्य करना होगा। प्राकृतिक सौंदर्यता, बौद्धिक उपलब्धियां, ज्ञान की खोज या फिर जीवन का आनंद, ये सब कुछ सत्य की खोज में समर्पित विचारों का ही प्रतिफल है। इन उपलब्धियों को कईयों बार महत्वाकांक्षाओं और अभिमान से जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये सब कुछ इन विशेषताओं का प्रतिफल नहीं है, बल्कि निरंतर दीर्घ समय से किए गए कठिन परिश्रम का शुद्ध और निस्वार्थ विचारों का स्वाभाविक परिणाम है। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्रता और महत्वाकांक्षाओं की सिद्धि है। जो लोग लगातार पुण्य व उच्च विचारों की भावना रखते हैं, जो उन सब पर चिंतन करते हैं जो शुद्ध और निस्वार्थ है, सूर्य और चंद्र बाकी पूर्णता की तरह अवश्य ही अपने चरित्र में पुण्यात्मा व ज्ञानी बनते हैं और एक प्रभावशाली और बेहतर स्थिति में ऊंचाई पर पहुंचते हैं। किसी भी प्रकार की उपलब्धि प्रयत्न का ही राज मुकुट है, विचारों का ताज है। व्यवस्थित रूप में निर्देशित विचार, संकल्प, आत्म संयम और साधुता की मदद के जरिए ही हम ऊपर की ओर उठते हैं। आलस्य, आत्म संयम की कमी और विचारों में उपजी नकारात्मकता ही हमारे पतन का कारण बनती है। सौभाग्य से हम इस संसार में हर उस उच्चतम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जिसे कि विचारों के माध्यम से अपने केंद्र में लाते हैं, और आध्यात्मिक लोक में भी उच्चतम स्थिति तक ऊपर उठ सकते हैं। दूसरी ओर हम फिर निंदक, दंभी, स्वार्थी व नकारात्मक विचारों को आत्मसात कर कमजोर और बुरी स्थिति में पहुंच सकते हैं। ठीक से समझे तो सकारात्मक विचारों के माध्यम से मिली विजय को केवल सावधानी द्वारा ही बनाए रखा जा सकता है। जब सफलता मिलना तय होता है तो बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं और असफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने से अधिक परेशानी इस ऊंचाई पर बने रहना होता है।
सभी प्रकार की सफलताएं, चाहे वो व्यवसायिक हों, बौद्धिक हों या आध्यात्मिक, निश्चित रूप से आपके द्वारा निरंतर निर्देशित विचारों का ही प्रतिफल होती है और ये उसी नियम के अधीन है और इसका यही एक तरीका भी है। अंतर सिर्फ इतना है कि आपकी सफलता प्राप्ति का लक्ष्य वास्तव में कितना बड़ा है। ये कड़वा सत्य है, जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने से ज्यादा मुश्किल ऊंचाई पर बने रहना है। वे जिन्होंने जीवन में थोड़ा हासिल किया है, असल में उन्होंने जीवन में थोड़ा ही त्याग किया होता है। दूसरी ओर ऐसे महानतम व्यक्ति जिन्होंने जीवन में अधिक ऊंचाई प्राप्त की हुई होती है, असल में उनका त्याग औरों की अपेक्षा बड़ा होता है। जीवन में जिन्हें भी उच्चतम सफलता अर्जित करनी है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महानतम लक्ष्य पाने के लिए यह अनिवार्य है और इसे तभी पाया जा सकता है। अध्याय 6, उच्च आदर्श और सुंदर परिकल्पना। सपने देखने वाले मनुष्य सही रूप में इस संसार के मसीहा हैं। सामान्य तौर पर साधारण नजरों से दिखने वाला यह संसार अदृश्य द्वारा शोषित होता है। उसी प्रकार से मानवता सभी परीक्षाओं और दुखों तथा कष्ट में उसके स्वप्नदर्शियों की सुंदर परिकल्पनाओं द्वारा शोषित होती है। मानव सभ्यता अपने उच्च आदर्शों को परिपूर्ण स्वप्न दृष्टाओं को भूल नहीं सकती, वो उनके आदर्शों को यूं ही नष्ट नहीं होने दे सकती। ये आदर्श विचार और परिकल्पनाएं मनुष्य के भीतर समाहित रहती हैं। मानवता इन्हें हमेशा से ही जीवंत मानती आई है, जैसे कि एक दिन वो उसे देखेंगी और हम इसे जान पाएंगे। पैगंबर, संत, मुनि, संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, लेखक, साहित्यकार और कवि, ये सभी वास्तविकता से अलग दुनिया का निर्माण करते हैं। ये सही मायनों में स्वर्ग के शिल्पी हैं। ये दुनिया इन्हीं मेहनतकश स्वप्नदर्शियों के बिना आज जितनी सुंदर है वैसी न होती। ये नहीं होंगे तब ये मानवता विलुप्त हो जाएगी। वे लोग जो अपने हृदय में एक सुंदर परिकल्पना और उच्च आदर्श के बीजों को शोषित करते हैं, वे एक दिन साकार हो जाएंगे। खोजी कोलंबस ने अपने से लाखों मील दूर एक देश को खोजने की कल्पना को संजोया था और उसने समय के साथ इसे साकार कर दिया। कोपरनिकस ने इस संसार की अनेकता और एक विस्तृत ब्रह्मांड के होने की परिकल्पना के बीज को शोषित किया था और उसने इसे दुनिया के सामने प्रकट कर दिया। बुद्ध ने निष्कलंक सुंदरता और संसार के लिए पूर्ण शांति के आध्यात्मिक जगत की परिकल्पना को संजोया, फिर स्वयं भी इस पूर्ण शांति में प्रवेश भी किया। तुम अपनी परिकल्पनाओं को संचित करो, शोषित करो, उन्हें आकार देने की कल्पना करो। इसके बाद ही उनमें से सकारात्मक परिस्थितियों और अच्छे वातावरण का जन्म होगा। ये एक लता की तरह आगे बढ़ेंगे। अगर तुम इसके प्रति ईमानदार रहोगे तो अंत में तुम्हारे मन के संसार का निर्माण होगा। चाहने से ही तुम्हारा पाना संभव है, आकांक्षा रखने से उसे प्राप्त कर पाओगे। हमारी सामान्य इच्छाओं की पूर्ति पूरी तरह से हो जाए और हमारी शुभ और महत्वपूर्ण आकांक्षाएं पोषण की कमी से नष्ट हो जाएं, क्या ऐसा संभव है? सौभाग्य से ब्रह्मांड का एक ही नियम है, वो है मांगो और पाओ। मांगने और इच्छा में अंतर है। नियम के अनुसार मांग व इच्छा में सही तालमेल बनाकर मांगे और तुम्हें मिल जाएगा। बड़े सपने देखो और तुम जैसे स्वप्न देखोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। तुम्हारी परिकल्पना उसका वचन है जो तुम एक दिन बन जाओगे। तुम्हारे आदर्श उसकी भविष्यवाणी है जिसे तुम अंत में पर्दा उठाकर देख सकोगे। आज जितनी भी महानतम उपलब्धियां हमें दिखती हैं, वो लंबे समय तक केवल एक स्वप्न ही थीं। शाहबलूत यानी ओक का वृक्ष अंजू फल में छिपा होता है। नन्ही चिड़िया अंडे के भीतर उसे पालती है और आत्मा की उच्चतम परिकल्पना में जागृत मनुष्य ही देवदूत बनते हैं।
सही अर्थ में वास्तविकता के बीज स्वप्न ही है। तुम्हारी परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन ये सब लंबे समय तक नहीं रहेगा। यदि तुम केवल एक आदर्श विचार को मन में साथ लिए उसे पाने के लिए जी जान लगा दो, तुम्हें यह यात्रा बाहर से अंदर की ओर करनी होगी। बाहर के द्वार पर खड़े रहकर आंतरिक यात्रा संभव नहीं है। एक लड़की और एक लड़का दोनों ही बेहद गरीबी में गुजर बसर कर रहे हैं। दोनों ही निर्धनता के साथ काम के बोझ के तले दबे हुए हैं। काफी लंबे समय तक अस्वस्थ माहौल वाली परिस्थिति में जीवन यापन करते रहे। शिक्षा और सभी प्रकार के शिष्टाचार से कोसों दूर है, लेकिन दोनों ही बेहतर जिंदगी के सपने देखते हैं और वे बुद्धि, कृपा, शिष्टता और सुंदरता की कल्पना अपने जीवन में करते हैं। वे मानसिक तौर पर एक आदर्श जीवन की परिस्थिति की कल्पना करते हैं और आजादी से भरे जीवन के ख्वाब देखते हैं, और ये बड़ी आकांक्षाएं उनके मन में भीतर तक समा जाती है। मन में उपजी इस व्याकुलता के कारण वे अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं, पर अपने बचे हुए समय व साधनों को भले वे अभी कम हैं, पर अपनी सोई हुई शक्तियों और साधनों को जगाने में उनके विकास करने में लगाते हैं। जल्द ही उनके मन में इतना परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, वे उस कारखाने में बंद कर नहीं रह पाते। उनकी सोच से उनका वो काम इतना बेमेल हो जाता है कि वे उससे निकलने के उसी प्रकार के यत्न करते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति अपने मैले कपड़ों को निकाल कर फेंकता है। जैसे जैसे उनके लिए उनके विचारों के अनुरूप अवसर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी आत्मिक शक्ति और कार्यक्षेत्र कार्यक्षमता में विस्तार होते जाता है, और अंत में हमेशा के लिए अपने उस नारकीय जीवन से बाहर निकल आते हैं। अब वर्षों बाद जब वे किशोर वयस्क बन गए हैं, तो हम देख सकते हैं कि वो मन की कुछ निश्चित शक्तियों के स्वामी भी बन चुके हैं। ये एक प्रयोग संसार पर अपना प्रभाव छोड़ता है, और अब वो अपने क्षेत्र में एक किंवदंती बन चुका है। इन वयस्कों के कंधों पर अब नई लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उनके कहे शब्द अब लोगों का जीवन बदल देते हैं। लोग भी उनकी बातों का शब्दशः अनुसरण करते हैं और अपने विचारों को चरित्रों के नए सांचे में ढाल लेते हैं। सूर्य की तरह वो भी सभी का केंद्र बन चुके हैं, जिसके चारों तरफ असंख्य लोग परिक्रमा करते हैं। वास्तव में सकारात्मक कल्पना के बलबूते वो अपने बचपन के सपने को अब हकीकत में बदल चुके हैं। इसी प्रकार आप भी अपने स्वप्नों को साकार कर सकते हैं, चाहे वे तुच्छ हो या महान, या फिर दोनों का एक मिश्रण। आप हमेशा उसकी ओर झुकेंगे जिससे भी आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसी की बदौलत ही आपके विचारों के न्यायपूर्ण परिणाम आपके हाथों में रख दिए जाएंगे। याद रखिए, आपको वही प्राप्त होगा जिसके कि आप योग्य हैं, न ही उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। आप अपने विचारों और सपनों के अनुसार नीचे गिरेंगे, वहीं रहेंगे, या फिर ऊपर उठेंगे। आप अपनी इच्छाओं जितने तुच्छ बनेंगे या अपनी प्रबल आकांक्षाओं जितने महान। स्टैंटन किर्कहैम डेविस ने कितने सुंदर शब्द लिखे हैं। वे लिखते हैं, संभव है कि आप लिखा हुआ मिला रहे हों और फिर आप उस दरवाजे से निकलकर बाहर आ जाएंगे जो हमेशा से आपको अपने सपनों की बाधा लगा था, और आप अपने को श्रोता समूह के सामने पाएंगे। पेन अब भी आपके कान में फंसा हुआ है, चाहे के छींटे आपकी उंगलियों पर हैं, और तुरंत ही आप अपनी प्रेरणा को धारा प्रवाह रूप से बोलने लगेंगे। हो सकता है कि आप भेड़ चरा रहे हों, आप गांव से शहर की ओर बढ़ते चल रहे हों, लेकिन आप एक मास्टर के स्टूडियो में आत्मा के साहसिक मार्गदर्शन में चलेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब वो कहेगा कि अब मुझे तुम्हें कुछ भी सिखाना शेष नहीं रह गया है। तब आप एक महारथी बन जाएंगे, वो महारथी जिसने कुछ समय पहले ही भेड़ों को चराते हुए महान सपने देखे थे। आप कुल्हाड़ी को नीचे पटक कर संसार के पुनरुत्थान की जिम्मेदारी ले लेंगे। विचार शून्य, धूर्त, अज्ञानी, आलसी व सुस्त व्यक्ति सिर्फ चीजों के वास्तविकता में घटित परिणामों को ही देख पाते हैं,
वे उसके पीछे की अमूर्त स्थिति पर ध्यान ही नहीं दे पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो घटनाक्रम उन्हें सामान्य नजरों से नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि वे हमेशा भाग्य, किस्मत और संयोग का रोना रोते रहते हैं। किसी व्यक्ति को धनवान होते हुए देख वे कहते हैं, उस व्यक्ति की किस्मत कितनी अच्छी है। किसी को बुद्धिमानी प्राप्त करते देख वे कहते हैं, उसमें तो यह प्रतिभा जन्मजात है। और किसी संत जैसे आचरण और उसके चारों ओर लोगों का जमावड़ा व उसके पड़ने वाले दिव्य प्रभाव को देखकर वे कहते हैं, यह सिर्फ एक संयोग है जिसने उसकी हर बार मदद की है। सही कहा जाए तो वे उन कष्टों, असफलताओं और संघर्षों को नहीं देख पाते जिसके बलबूते इन लोगों ने यह सफलता और ये परिणाम प्राप्त किए हैं। कहने वाले व्यक्ति को इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि इस सब के लिए उन्होंने कितने त्याग, कितना परिश्रम और इसके लिए कितनी कोशिशें की गई हैं, कितना भरोसा खुद पर और औरों पर रखा, जिस कारण मार्ग में आई विराट बाधाओं को पार कर अपने मन के महान स्वप्न को साकार किया। पर यह दुर्भाग्य ही है कि आम व्यक्ति को इसके पीछे का त्याग नहीं दिख पाता। जिस सफलता को वो सामान्य निगाहों से देख रहा है, उसके पीछे के कष्टों और दुखों को वो नहीं देख पाता। उन्हें तो सिर्फ चमचमाती रोशनी और खुशियां ही दिखाई देती है, और इसे वो सफल व्यक्ति के भाग्य का नाम दे देते हैं। वे दुरूह और लंबी यात्रा को नहीं देखते, वे सिर्फ सुखद परिणामों तक पहुंचने की परिणीति को ही देख पाते हैं। इसीलिए वे इसे आसानी से सौभाग्य का नाम दे देते हैं। ये व्यक्ति वर्तमान में मिले परिणाम की पूरी प्रक्रिया को नहीं देखते और लक्ष्य प्राप्ति को केवल संयोग कहते रहते हैं। मनुष्य के सभी कार्यों में विचारों के बाद प्रथम प्रयास होते हैं और सबसे अंत में उसके परिणाम। प्रयास की शक्ति ही परिणाम को निर्धारित करती है। प्रयास और परिणाम के बीच में कभी भी संयोग का पैमाना नहीं हो सकता। प्रतिभा और शक्तियां प्रयास के परिणाम हैं। इस संसार में सभी भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां प्रयासों के ही अंतिम रूप में जन्मे का परिणाम है। प्रत्यक्ष तौर पर दिख रही किसी भी प्रकार की उपलब्धि का अर्थ है कि उस विचार ने अब पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। जिस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, दरअसल वो स्वप्न रूपी बीज से ही साकार हुआ है। जिस वक्त आप मन में एक स्वप्न देखते हैं और शोषित करते हुए महान बनाते हैं, उस वक्त से आप जीवन को अपने अनुरूप बनाना शुरू कर देते हैं। इस विचार को जब आप अपने दिल के सिंहासन पर विराजित करते हैं, उस समय से वो होना शुरू हो जाते हैं जो आप होना चाहते हैं और जीवन को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। अध्याय 7, शांति। मन की शांति बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का एक सुंदर आभूषण है। बुद्धिमत्ता लगातार सब्र और लंबे समय तक किए आत्मनियंत्रण के प्रयासों का परिणाम होती है। मन की शांति परिपक्व व्यक्ति के अनुभव की निशानी है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वो व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा नियमों और विचार प्रक्रियाओं में ज्यादा समझदारी व ज्ञान रखता है। मनुष्य के शांत रहने की एक सीमा है। कोई भी मनुष्य उस सीमा रेखा तक ही शांत रहता, जहां तक कि वो मानता है कि ये उसके जीवन के विचारों का परिणाम है। यहां मनुष्य को ये समझने की नितांत आवश्यकता है कि उसके सामने प्रकट हो रही दूसरों की परिस्थितियां तथा उनके व्यक्तित्व भी उसी के उत्पन्न विचारों का ही परिणाम है। वो मनुष्य जिसमें ये देख पाने की अंतर्दृष्टि निर्मित हो जाती है, तो इसी समझ की बदौलत वो कारण और परिणाम स्पष्ट तरीके से देखने लगता है। इसके बाद वो किसी कारण या स्थिति से विचलित नहीं होता। उसके मन में उतावलापन हिलोरे नहीं लेता। वो चिंतित भी नहीं होता और ना ही दुखी होता है। वो हर स्थिति और परिस्थिति में संतुलन और शांति बनाए रखता है। शांति को धारण करने वाला इस कला को सीख लेता है कि उसे स्वयं पर किस प्रकार से शासन करना है। साथ ही वो ये भी सीख लेता है कि उसे दूसरों के प्रति किस प्रकार से स्वयं को ढालना है। इसके बाद उसे देखने वाले लोग
उसकी आध्यात्मिक शक्ति के दीवाने हो जाते हैं। वे सभी स्वयं में महसूस करते हैं कि वे भी इस शांत चित्त व्यक्ति से सीख रहे हैं, पर उनका भरोसा उस व्यक्ति पर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मनुष्य जितना ज्यादा शांत होता है, उसकी प्रतिष्ठा, सफलता और दूसरों पर उसका प्रभाव भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। साधारण व्यापारी भी यदि आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति को विकसित कर ले तो उसका व्यापार भी बहुत समृद्ध हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य लोग भी हमेशा उसी व्यक्ति के साथ व्यापार करना पसंद करते हैं जिसका आचरण तटस्थ हो और व्यवहार दोस्ताना हो। शांत चित्त व्यक्ति में उभरी यही खूबियां होती हैं। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो शांत और तटस्थ व्यक्ति से प्रेम करता ही है। सभी उसका आदर और सम्मान करते हैं। उसकी उपस्थिति रेगिस्तान में छायादार पेड़ की तरह होती है। वो तूफान में सहारा देने वाली मजबूत और स्थिर चट्टान जैसा होता है। शांत मन के व्यक्ति से भला किसे प्रेम नहीं होगा? जिस व्यक्ति का जीवन संतुलित हो, उसे भला कौन नहीं चाहेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हो रही है या धूप। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोगों के जीवन में कैसी परिस्थितियां आती हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वे हमेशा शांत रहते हैं। चारित्रिक रूप से तटस्थता और संतुलन, जिसे कि हम शांति कहते हैं, सुसंस्कृत व्यक्ति का अंतिम पाठ है। यही जीवन का फूल है और आत्मा का फल। ये स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान है और बुद्धिमानी से ज्यादा चाहने योग्य है। शांत व्यक्तित्व के लिए सभी कुछ सरल व सुलभ है। ऐसे व्यक्ति के लिए शांत प्रिय जीवन की अपेक्षा में सिर्फ और सिर्फ समृद्धि की इच्छा महत्वहीन हो जाती है। ऐसे शांति प्रिय व्यक्ति का जीवन सत्य के सागर की गहराइयों तक केवल शांति का ही निवास होता है, जिसका तूफान भी स्पर्श नहीं कर सकता। हम ऐसे कितने ही व्यक्तियों को जानते हैं जो अपने गुस्सैल व बिगड़ैल स्वभाव के चलते अपने जीवन के स्वाद को बेस्वाद में बदल देते हैं। वे अपनी चारित्रिक तटस्थता को खत्म कर देते हैं और बेवजह ही लोगों से शत्रुता मोल लेते हैं। अधिकांश व्यक्ति केवल खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाने की वजह से अपने ही खुशहाल जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और पूर्व में प्राप्त खुशियों को भी राख कर देते हैं। अपनी जीवन यात्रा के दौरान बेहद कम ऐसे लोगों से मिल पाते हैं जिन्होंने उस शांति को प्राप्त किया हो और वो चारित्रिक रूप से तटस्थ हों। मानव अनियंत्रित भावों के वेग के साथ दौड़ लगाता रहता है, अनियंत्रित चिंताओं और दुखों के थपेड़े खाता है और जाने कितनी ही अनावश्यक बातों और शंकाओं को लिए हुए मिट्टी में मिल जाता है। एक कुशल व्यक्ति ही इस पर काबू रख पाता है और नियंत्रित तथा शुद्ध विचारों के साथ आत्मा में उठे तूफान व घनघोर अंधेरे के मध्य मंथन करता है। वही विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपने भीतर के आदेश का पालन करवा सकता है। आप इस बात को स्पष्टतः जान लें, आप जहां कहीं भी रहते हों, आप जिस भी अवस्था या परिस्थिति में हों, जीवन के विशाल समुद्र में हर जगह खुशियों के हंसते मुस्कुराते टापू मौजूद हैं। आपके भीतर हिलोरे ले रहे महान स्वप्नों को सुखद किनारा देने के लिए ये टापू आपकी राह देख रहे हैं। अपने विचारों की डोर को मजबूती से थाम लें। आदेश देने वाला स्वामी आपकी आत्मा के केंद्र में मौजूद है। वो केवल और केवल आंशिक निंद्रा में है, उसे जगा दें। आत्मनियंत्रण ही आपकी शक्ति है। अपने हृदय से कहें कि शांत हो जाओ। अपने मस्तिष्क से कहें कि शुभ व सुखद विचारों को प्रकट करो। सही सोचो और सकारात्मक सोचो। मांगलिक विचारों को स्वयं के भीतर मुक्त रूप से प्रवेश करने दो। मनुष्यों को चाहिए कि उसी प्रकार के विचारों को मन मस्तिष्क में उपजने दें। इन शुभ व सुखद विचारों को मस्तिष्क में आने देना चाहिए और इन्हें साकार करने की चाह से पल्लवित करना चाहिए।
यदि वाकई आप अपने जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं, इस मनोकामना को यथार्थ में लाने के लिए जितना हो सके अच्छा सोचें और अच्छे विचारों को शोषित करें। यदि आप अपने जीवन को समृद्धि से परिपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो समृद्धि से भरे विचारों को मस्तिष्क में आमंत्रित करें। यदि आप अपने जीवन को आरोग्य व स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो विचारों में स्वास्थ्य कर विचारों को शामिल करें। जब आप ऐसा निरंतर करने लगेंगे, तो आपको ये परिणाम में परिणत होता दिखाई देने लगेगा। अंत में सिर्फ इतना ही कि अंततः आपके विचार जैसे होंगे वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। और इसी मोड़ पर यह बुक यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि इतने शक्तिशाली विचारों को पुनः से मस्तिष्क में जागृत कर देने वाली और प्रेरणाओं से भर देने वाली ये बुक आपको बेहद पसंद आई होगी। एक नई बुक लेकर के आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।